सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे किसी भी वैल्यू के साथ कोई दूसरा वैल्यू ऐड करना, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुना करना या फिर भाग करना। जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू 10 या 10 लिखा हुआ है और उसके साथ कोई वैल्यू जोड़ना है, घटाना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे एक्सेल के अंदर आसानी से कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जब उनको कहीं पर वैल्यू किसी के साथ ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो या भाग करना हो, तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करके पहले जो है करते हैं, या फिर एक्सेल में जो है मैनुअली वो टाइप करके प्लस करते हैं, या फिर वहाँ पे गुना करके लिखते हैं कि इतना हो जाएगा, 10 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, इस तरह से वो वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप ऐसे करेंगे एक्सेल में तो बहुत ही लंबा जो है आपका समय लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में इसे आप कैसे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, एक्सेल के अंदर पहले से फंक्शन दिया हुआ है, उसे यूज़ करके आप किसी भी अंक के साथ कोई भी वैल्यू प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना भाग जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं जो यहाँ पे एक्सेल में आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू देखिए अंक दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से यहाँ पे जो है कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब इसके साथ मुझे जो है 5 जो है वो प्लस करना है, सभी के साथ प्लस करना है। मान लीजिए 10 के साथ 5 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 के साथ 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे जो इन सभी में ये 5 जो है ये ऐड कर देना है, जोड़ना है इसके साथ। तो फिर आप कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए इसे सीखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगा और आप जो है नए वीडियो को फ्री में देख पाएंगे। तो चलिए आगे सीखते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिया गया है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, इन सभी वैल्यू के साथ जो है ये 5 जो है इसे ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो इसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो है इस वैल्यू को कॉपी कीजिए, इस पर क्लिक करके, और उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। या आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे एक्सेल में जो है ये कॉपी फंक्शन होता है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। जब आप इसे कॉपी कर लेंगे तो इसके चारों साइड एक लाइन चलने लगेगा, देखिए ब्लिंक कर रहा है ये लाइन, तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिस वैल्यू पे आपको जो है ये ऐड करना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मुझे जो है 10 पे इसको जो है 10 के साथ 5 प्लस करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है इसके अंदर। जब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे उसके बाद एरो इसी के अंदर रखना है और राइट क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने फंक्शन खुलता है पेस्ट स्पेशल, इस पर आपको जाना है, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है। या आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पे जो है क्लिक करके और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए जब आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो है पेस्ट स्पेशल का विंडो खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेशन, ऑपरेशन में देखिए यहाँ पे दिया है ऐड, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं। अब मुझे जो है ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये रेडियो बटन जो है चेक लग गया इस पर, और उसके बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 के साथ 5 जो है वो प्लस हो गया, तो ये 15 बन गया, लेकिन बाकी सबके साथ जो है वो प्लस नहीं हुआ। अब बाकी सबके साथ प्लस क्यों नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पे बता दूँ मैं, मैंने यहाँ पे जो है सिंपल इसको सेलेक्ट कर रखा था ऊपर वाले को। इस तरह से आपको जो है पूरे को सेलेक्ट करना होगा, जितना भी आपको जो है चाहिए वैल्यू। तो अब मैं फिर से जो है इसको करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से ये 5 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसे कॉपी करना है। लेकिन अभी मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि ये पहले से कॉपी हो रखा है। देखिए कॉपी कमांड जो है इस पर अप्लाई है, यहाँ पर लाइन देखिए इसके चारों साइड जो है ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉपी हो रखा है। अब सिंपल जो है इन पूरे वैल्यू को जो है सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरे नंबर को सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल का विंडो खुलेगा, इसमें यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड पे और उसके बाद कर दीजिए ओके। तो देखिए यहाँ पे इन सभी के साथ 5 जो है वो प्लस हो गया। तो देखिए ये 10 था, 10 के साथ 5 प्लस हो गया तो 15 हो गया, 20 के साथ 5 प्लस हो गया तो ये 25 हो गया। इस तरह से यहाँ पर सभी के साथ जो है 5 जो है जुड़ गया। तो इस तरह से आप जो है इस सेल को जो है इन सभी सेल के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये जो है पहला तरीका था जोड़ने का। चलिए अब जो है क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इस पर
चलिए अब करते हैं माइनस। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पाँच पे इस पे क्लिक कीजिए इस सेल पे और इसको जो है राइट क्लिक करके करिए कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जो है इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए फिर से और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल पे जाइए और उसके बाद हमें करना है सबट्रैक्ट यानी कि घटाना है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे सबट्रैक्ट पर और उसके बाद करेंगे ओके। तो देखिए ये जो है सबट्रैक्ट हो गया, फिर से ये वहीं पर पहुँच गया 10, 20, 30, 40, 50, ये जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वो करना है डिवाइड। तो डिवाइड करके भी देख लेते हैं, तो डिवाइड हमें 5 से नहीं करना है, डिवाइड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2। डिवाइड हमें किस से करना है, 2 से करना है। 2 से हमें डिवाइड किसको देना है, 10 को, 20 को, 30, 40, 50 इन सभी को जो है 2 से डिवाइड करना है यानी कि 2 से भाग करना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे 2 पे क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ सी दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और फिर से जाइए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में देखिए यहाँ पे हमें करना है डिवाइड, तो डिवाइड के लिए यहाँ पे देखिए बना हुआ है रेडियो बटन, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ओके कीजिए। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब मुझे करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं जो है 3 से करता हूँ मल्टीप्लाई। ये मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर और इस पर क्लिक करके इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। और अब जो है इन सभी वैल्यू के साथ जो है मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद 10 को भी 3 से और 15 को भी 3 से, इस तरह से सभी को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि ये जो सेल है इस सेल से इन सभी सेल को मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जाके पेस्ट स्पेशल चुनिए और उसके बाद आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल का विंडो खुलेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है यहाँ पर जोड़ घटा करना हो, माइनस करना हो, जो भी करना हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हमने सीखा कि किसी भी वैल्यू के साथ हम कोई दूसरा वैल्यू जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, गुना कैसे कर सकते हैं और भाग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सब्जेक्ट गो वेबसाइट पर जाके आप जो है अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट गो वेबसाइट का यूज़ कैसे करना है, वहाँ पर अपना सवाल कैसे पूछे, इसके बारे में सब्जेक्ट का वीडियो पहले से बना हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप जो इन वीडियो को फ्री में देख पाए। और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।